किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन जो है वो लगा रहेगा, ये फैसला लिया गया है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। देखिए, अब से कुछ वक्त पहले तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जिस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये जानकारी बिहारवासियों तक पहुंचाई है कि बिहार में आज से लॉकडाउन लागू रहेगा। अब आपका सवाल यह भी कि आखिर लॉकडाउन कब तक है, तो 15 तारीख तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी कि 15 मई तक लॉकडाउन जो है वो बिहार में इंपोज किया गया है। बहुत जरूरी था ये कदम, क्योंकि जिसे लेकर आईएमए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस वक्त ये कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स के पैनल ये कह रहे थे कि हालात को कंट्रोल में करने के लिए एकमात्र अगर कोई रास्ता बचता है तो वो ये कि आप लॉकडाउन लगाया जाए। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के। आनंद, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो न्यूज 18 ने जो इस खबर को पहले अंदेशे के तौर पर और सूत्रों के हवाले से बताया था, आज उस पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। बिल्कुल विवाद, देखिए न्यूज 18 ने कल ही देर शाम बता दिया था कि बिहार में लॉकडाउन लग सकता है और उस पर आज मुहर लगे, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से ट्वीट करके बोला कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ट्वीट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई वो मैं आपको बताता हूं कि बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि ये लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है अगर परिस्थितियां ठीक ठाक नहीं हुई। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपदा प्रबंधन समूह को ये निर्देश दे दिया गया है कि इसमें क्या कुछ कदम उठाया जाए, कैसे क्या कुछ कंडीशन रहेंगे, उस पर आज ही बैठक करके फैसला कर लिया जाए। यानी कि आज पटना हाईकोर्ट में भी बिहार सरकार को अपना जवाब देना था, जो हाईकोर्ट ने क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को, जरा ये क्लियर कीजिए कि इस लॉकडाउन के तहत किस तरह की चीजें पाबंदियों में आ जाएंगी, लोगों का व्यवहार किस तरीके से हो, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि अब आप क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसके विस्तृत जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सीएम आवास में और कुछ देर के बाद वहां से भी प्रेस रिलीज आ जाएगा कि क्या क्या कंडीशन लगाए गए हैं। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा जो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था उसमें बहुत सारे पाबंदी लगाए गए थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जरूरी जो अस्पताल या फिर जरूरी सामान है उसके दुकान खोले रहेंगे लेकिन बाकी बंद कर दिया गया था। आपको यह भी याद होगा कि पिछले बार आवागमन भी एक तरीके से बंद कर दिया गया था, तो तमाम परिस्थितियों के हिसाब से इस बार लॉकडाउन लगाया जाएगा कि नहीं जाएगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो परिस्थितियां पिछले बार से ज्यादा बिगड़ी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन में तमाम पाबंदियां रहेंगी जो पिछले बार लॉकडाउन में देखी गई थी। घर से बाहर आप नहीं निकल सकते हैं और जो घर से लोग निकलते थे या फिर यानी सिर्फ आवश्यक जो सेवाएं हैं वो सेवाएं जारी रहेंगी, लोगों की आवाजाही के लिए उनसे वजह पूछी जा सकती है कि आखिर आप घर से बाहर क्यों निकले हैं। अब प्रशासन की टीम को मुस्तैद रहना पड़ेगा, आप गली चौराहे नुक्कड़ पर मौजूद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल विभा, आपको याद होगा कि पिछले बार जब आपको जरूरी काम से घर से बाहर निकलना रहता था, अगर आपको अपने वाहन से कहीं बाहर जाना रहता तो इसके लिए आपको जिला प्रशासन से आदेश भी लेना होता था और आदेश लेने के बाद ही आप मूव करते थे, तो वो भी कंडीशन इस पर लागू हो सकता है। और जो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप भी बता रही हैं कि जरूरत के जो चीज है, जो बिक्री होती है उसको खोला जाएगा, लेकिन उसके अलावा तमाम चीजों को बंद कर दिया जाएगा। मूवमेंट, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मूवमेंट कम से कम हो, लोग घरों से बाहर कम से कम निकले, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जो भी जरूरत का सामान, खासकर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए दूध और जो सब्जी वगैरह है, उसके लिए खबरें भी मिल रही है कि सब्जी के लिए। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इस वक्त प्रेमचंद मिश्रा जी खुद जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।